यकीन मानिए इस वीडियो पर क्लिक करने का आपका डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे स्पेशल डिसीजन साबित होने वाला है। अब आप उन स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हैं जो आज यहाँ से काफी यूनिक सीख करके जाएंगे। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? सब बोल रहे हैं पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले हैं, इस बार अच्छा स्कोर करना है, किसी को टॉपर बनना है, किसी को पास होना है और किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना। आपका गोल चाहे जो भी हो, उस गोल को पाने के लिए एक काम जो आप सबको करना ही पड़ेगा वो है स्टडी। जी हाँ दोस्तों, स्टडी करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी? जब आपका मन लगेगा स्टडी में और स्टडी करना पसंद होगा, जब बिना किसी के कहे आप अपने आप पढ़ने बैठोगे। और वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है थोड़ी देर में, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप तुरंत अपनी बुक लेकर पढ़ने बैठ जाओगे, बिकॉज मैं कुछ ऐसी स्पेशल टिप देने वाला हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर पढ़ाई तो क्या, आप किसी भी अच्छी आदत को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो। जैसे कि एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, वो कुछ भी हो सकता है जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, बिकॉज अब मैं आपके साथ हूँ, यू आर नॉट अलोन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन और आज मैं आपको बताऊंगा वन सीक्रेट हैक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप, आस्क योरसेल्फ द पर्पस। दोस्तों, किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि आखिर मेरा पर्पस क्या है इस हैबिट को अपनाने के पीछे, यानी कि क्या रीजन है कि आप वो काम करना चाहते हो, जैसे कि पढ़ना क्यों चाहते हो। तो आंसर आएगा कि पढ़ना पड़ेगा, वरना इस साल अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा एक्सेट्रा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि एक्सरसाइज क्यों करनी है, तो आंसर आएगा कि मुझे फिट रहना है, बॉडी बनानी है। या फिर सुबह जल्दी क्यों उठना है, तो आंसर आएगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह का टाइम जो होता है वो पढ़ाई करने के लिए बेस्ट होता है, इसलिए उठना है मुझे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, विच इज़ वेरी इजी टू आस्क योरसेल्फ कि मैं आखिर ये काम क्यों करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्यों जरूरी है पढ़ना, वरना कल को जब रिजल्ट आएगा तो किसको दिखाऊंगा अपनी मार्कशीट, इसलिए मुझे अब पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन अपने आप से करो, अपनी उस हैबिट को प्रायोरिटी में लाओ जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ पर हर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है कि वो एक बड़ा गोल सेट कर लेता है, जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर आता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो एक्साइटमेंट में क्या करता है, ये सोचता है कि अब तो कल से कम 5 घंटे पक्का पढ़ूंगा, उससे पहले तो उठूंगा ही नहीं। बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हो, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया हो पढ़ने का, फिर जैसे ही पढ़ने का टाइम आता है तो आपको एक बर्डन फील होता है अपने माइंड पर कि यार 5 घंटे का गोल सेट किया था मैंने, अब कैसे करूँ मैं पढ़ाई, मन ही नहीं लग रहा मेरा। बिकॉज शुरुआत में जिस स्टूडेंट को हैबिट नहीं होती ना रेगुलर बेस पर 2-3 घंटे पढ़ने की, तो वो 5 घंटे क्या खाक पढ़ाई करेगा। इसलिए यहाँ से हमें ये पता चला कि 5 घंटे पढ़ने के लिए पहले 2-3 घंटे पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, तभी तो उस हैबिट को इम्प्रूव किया जा सकता है मेरे भाई। और अगर हैबिट ही नहीं होगी तो फिर इम्प्रूव किसे करेंगे, इसलिए हैबिट होना जरूरी है। अब बात आती है हैबिट कैसे बनाएं पढ़ने की। अब हम फाइनली रियल क्वेश्चन तक आ गए हैं और वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हैबिट। आपको पता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? मैं बताता हूँ, सबसे मुश्किल काम है किसी भी आदत को स्टार्ट करना। तो इस मुश्किल काम को इजी कैसे किया जा सकता है, चलो मैं बताता हूँ। अगर हमें किसी भी हैबिट को बिल्ड करना है, डेवलप करना है, तो हमें उस हैबिट का एक 2 मिनट वर्जन बनाना होगा, इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको सुबह मॉर्निंग में जो भी हैबिट डेवलप करनी है, तो इसका 2 मिनट वर्जन होगा कि आप अगर अपने शूज पहनकर बस घर से बाहर निकल जाओ, बस फिर वापस चाहे आकर सो जाओ, एज सिंपल एज दैट। अब मान लो आपको कोई बुक लिखनी है, तो इसका 2 मिनट वर्जन होगा कि आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखो उस 2 मिनट में। अब मान लो आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको 2 मिनट वर्जन होगा क्या होगा, किसी भी बुक का एक पेज, ओनली एक पेज पढ़ो। आप 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन 2 मिनट तो कोई भी पढ़ सकता है, एम आई राइट? एक पेज तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उस 2 मिनट में आपको उस पेज को पूरे प्यार से, पूरे मन से, अपनी ईमानदारी से पढ़ना है। जैसे ही 2 मिनट हो जाएं, बुक को बंद करके रख दो वापस, ओके? फिर वापस ये रिपीट करो 2 मिनट तक, पढ़ो और वापस रख दो। कुछ दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बस 4-5 दिनों में आपका मन करेगा चलो थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, और आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 30 मिनट हो गए हैं। फिर वापस अगले दिन आपको वही 2 मिनट वाला माइंड सेट रखकर पढ़ना है, फिर आपका मन करेगा कि थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, और जब पढ़ोगे तो 1 घंटा हो जाएगा। फिर कब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 घंटे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको यकीन नहीं होगा ये सब कैसे हो रहा है। वो क्या कहते हैं, आपको प्रेम हो जाएगा अपनी पढ़ाई से। बस सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है, आपको करना ही रेगुलर बेस पर पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। बिकॉज फंडा ये है कि आपका जो माइंड है, उसको जब कोई बड़ा गोल दे दिया जाता है जिसमें टाइम भी लगेगा या जिसकी हमें आदत नहीं है, तो हमारा माइंड क्या करता है, रेजिस्ट करता है, बोलता है मैं तो नहीं करूंगा, जो करना है कर ले। और जब इसे छोटा सा 2 मिनट वाला गोल दे दिया जाता है, तो ये इंस्टेंटली राजी हो जाता है, बोलता है चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ही तो पढ़ना है, पढ़ लेंगे, शूज पहनकर बाहर ही तो निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के लिए तो कोई भी काम कर लेगा आपका माइंड। बस यही ट्रिक है,
जब तक आप किसी हैबिट को स्टार्ट ही नहीं करते तब तक बताओ आप कैसे उसे इम्प्रूव कर पाओगे। इस 2 मिनट वाले रूल की वजह से कम आप रेगुलर बेस पर कोई काम स्टार्ट तो कर पाओगे और यकीन मानो इतना करते ही पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप अपनी उस हैबिट को जितना चाहो उतना इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी हैबिट को परमानेंटली बिल्ड कर सकते हो, 2 मिनट को इम्प्रूव करते करते जिस लेवल पर चाहो ले जा सकते हो। आपका माइंड अपने आप आपका साथ देगा बिकॉज अब चीज़ें आपके लिए बोरिंग नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी सो इंटरेस्टिंग। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो बिकॉज सबसे मुश्किल काम होता है किसी काम को स्टार्ट करना, फिर तो सब ईजी होता है। और अब आपने उस काम को स्टार्ट करना ही सीख लिया फिर आपको कौन रोक पाएगा, फिर आप उसे इम्प्रूव अपने आप कर लोगे। इसलिए अभी से इस 2 मिनट वाले रूल को अप्लाई करो। इस वीडियो को देखने के बाद मोबाइल बंद करके बस एक पेज, ओनली एक पेज किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का या नोट्स का, बस एक पेज आपको पढ़ना है। टाइम देख लेना क्लॉक में, 2 मिनट होते ही तुरंत रख देना, बट उन 2 मिनट्स में पूरे ध्यान से पढ़ना। बार बार घड़ी की तरफ मत देखना, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो तो भी चलेगा। फिर देखना आपका मन करेगा कि थोड़ा सा और पढ़ो और पढ़ो। दोस्तों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो अभी और आपको हैबिट भी नहीं है। और मुझे पता है जिनको हैबिट नहीं होती पढ़ने की वो तो सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। किताब ना खोलने से तो लाख गुना बेटर है 2 मिनट पढ़ना। कम से कम आप एक पेज रेगुलर बेस पर पढ़ रहे हो, इसलिए 2 मिनट के लिए सही आप किसी काम को रेगुलर बेस पर कर रहे हो, यानी कि उन 2 मिनट्स की अब वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है जिसे आपने स्टार्ट कर दिया है। अब इम्प्रूवमेंट का पूरा स्कोप है जो अपने आप होगी। और अगर आपका एग्जाम ही कल है और आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी दूसरी वीडियो जाकर देखो जिसमें मैंने ये बताया है कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों पता है बात क्या है, हम किसी काम को अपने मन ही मन में इतना डिफिकल्ट बना लेते हैं फिर खुद ही उस काम को करने से हेट करने लगते हैं। बट कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं होता, सब कुछ ईजी है अगर पूरे ध्यान से उस काम को किया जाए, फिर आपका उस काम में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इसलिए कभी भी ये मत समझो कि यार मैं तो वीक स्टूडेंट हूँ, या मैं तो कभी इतना स्कोर कर ही नहीं सकता, या मुझ में ही कोई कमी है, या ये काम मैं तो कर ही नहीं सकता। बिलीव मी आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं बना जो आप नहीं कर सकते। हर इंसान में स्पेशल पावर्स होती है, बस वो उनको यूज़ नहीं कर पाता, उसे कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई तेरे अंदर ये पावर है इसका यूज़ कर और अपने गोल्स को अचीव कर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लकी होते हैं, जिनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है कि उन्हें अपनी रियल पावर्स का अंदाज़ा हो जाता है और वो काफ़ी कुछ बड़ा कर जाती हैं। इसलिए आप भी उनमें से एक हो, आप सब स्पेशल हो। ज़रूरत है तो अपनी स्पेशल पावर्स का यूज़ करने की, तो जाओ दोस्तों अपनी पावर्स को यूज़ करो। आई एम विद यू ऑलवेज एंड लव यू ऑल।